खुद को जरा अकलमंद नहीं समझती, लेकिन शीमा आपा, मुझे आपकी अकल पे हैरत होती है। सारी जिंदगी आंटी को दूसरी बीवी के ताने देने वाली औरत किसी और औरत के ऊपर सौकन बन के कैसे आ गई? बस छोटी सासुमा, क्या करें, अकेली जान, इतने सारे काम, थोड़ा मसरूफ रहा। और भाई रोहेल, क्या हाल है? ठीक हो? रिजा गुड़िया, क्या हाल है? क्या मूड क्यों हो? सर में दर्द हो रहा है, मैं ठीक नहीं रहा सच। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम वालेकुम अस्सलाम। सलाम, कैसी हो एमन, मेरी जान, मेरी गुड़िया? मैं ठीक हूँ बहजाद भाई, लेकिन मैंने आपको कितनी दफा मना किया होगा कि मुझे गुड़िया जान जैसे लफ्जों से ना पुकारा करें, मुझे पसंद नहीं। मैं तो प्यार से पुकारता हूँ, छोटी बहन की तरह। हाँ? नहीं, मैं आपकी बहन नहीं हूं। जरूर आपकी कोई सगी बहन होगी, आप उसको ऐसे लफ्जों से पुकारा करें ना। और शीमा आपा, मुझे तो आप पे हैरत होती है, कैसे बर्दाश्त कर लेती हैं आप ये सब? आप क्यों उसे इतनी इज्जत दे रहे हैं? इस काबिल नहीं है ये। इनके लहजे में जो इज्जत है ना, इसको खूब पहचानती हूँ मैं। एमन, जाओ नासरा की मदद करो खाना लगाने में। बच्ची है, आजकल तबीयत भी नहीं ठीक रहती है इसकी। छोटिया में हम यहाँ पे खाना खाने नहीं आए हैं, हम यहाँ पे आपसे फाइनल बात करने आए हैं। इस बच्ची की मजीद बदतमीजियां अब हमसे बर्दाश्त नहीं होंगी। आप लोग ये घर खाली करें, हम इसे बेचने का फैसला कर चुके हैं, बस। क्या कर रही हो? आराम से सतेले हैं, मगर तुम्हारी भाभी और माँ है। इस लड़की ने इतनी बकवास की अभी, फिर भी आपके दिल में इतनी हमदर्दी और इतनी नरमी है, मुझे तो हैरत है आपकी रहमदिली पे। हम एक हफ्ते के अंदर अंदर ये घर बेच रहे हैं, आप इसे खाली कर दें प्लीज। सीमा आप इस घर की फिक्र छोड़ के अपने घर की फिक्र क्यों नहीं करती? उसकी भी तो खबर ले लेना। क्या मतलब है तुम्हारा? मतलब तो आपको बहसात भाईजान ही बताएंगे। क्यों? खुद को जरा अकलमंद नहीं समझती, लेकिन शीमा आपा, मुझे आपकी अकल पे हैरत होती है। सारी जिंदगी आंटी को दूसरी बीवी के ताने देने वाली औरत किसी और औरत के ऊपर सौकन बन के कैसे आ गई? क्या बकवास कर रही हो तुम? इस बकवास की तफसील आप अपने शोहर से क्यों नहीं पूछती? आज मार्केट में शॉपिंग कर रहे थे अपने बच्चों के लिए, दस साल के बाद बेटा जो होने वाला है इनका। क्यों बेजाद भाई? आप बकवास, झूठ बोल रही है ये। झूठ नहीं बोल रही मैं, मैंने खुद इनको मॉल में देखा है, अपने बच्चों के लिए शॉपिंग कर रहे थे और दुकानदार ने मुझे ये तक बताया है कि ये अपने सारे बच्चों की शॉपिंग वहीं से करते हैं। आसुमान से आप चुप करा दें, मतलब। और अब आप लोगों को पता है, 10 साल के बाद, 2 बेटियों के बाद बेटा हो रहा है इनका। ओह, तो इसी गालिबन शीमा आपस से ज्यादा आप इंटरेस्टेड थे इस घर को बेचने में। ये क्या है बेजाद भाई, दूसरी शादी के लिए आपने हमें बताया भी नहीं? झूठ बोल रही है ये, ऐसा कुछ नहीं है। झूठ बोल रही हूं ना मैं? तो अपने होने वाली बेटी की कसम उठाएं, उठाएं कसम। मैं क्यों खाऊं कसम? मैं कसम पे यकीन नहीं रखता। हां सीमा, तुम तो मुझे इतने बरस से जानती हो, ये झूठ बोल रही है, ये बहुत बड़ा फितना है, ये फसाद है, ये चाहती है हमारा घर टूट जाए। हाँ, जो ये कह रही है वैसा कुछ नहीं है, मैंने कोई शादी नहीं की है, मेरा कोई बच्चा नहीं है। हाँ, ऐसा है तो तुम कसम क्यों नहीं खा रहे? नहीं हुई ना शादी, बच्चा भी नहीं है, तो खाओ कसम। कोई बच्चा नहीं है अगर, तो कसम क्यों नहीं खा रहे हो तुम? कसम खाओ बेजाद, कसम खाओ तुम बेजाद, कसम खाओ। आओ मेरे साथ, आओ मेरे साथ सीमा, आ जाओ बेजाद, आ जाओ आ जाओ।